बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का डिपो परिषद नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों के आश्रितों का सालों से बकाया राशि के भुगतान हेतु शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान परिवहन विभाग के मंत्री संतोष कुमार निराला ने सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभान्वित किया। उन्होंने कुल 10 कर्मियों के आश्रितों को 19,68,00,000 रुपये की राशि RTGS के माध्यम से आवंटित किए। निगम के प्रशासक सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2015 के बाद सेवानिवृत्त करने वाले कर्मियों के आश्रितों को सेवांत लाभ के भुगतान हेतु 127 करोड़ रुपए की राशि परिवहन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इससे सेवानिवृत्त कर्मियों को काफी सहायता मिलेगी। कर्मचारियों के प्रति हम लोग की संवेदना बढ़ी और जो निचले स्तर के जो कर्मचारी थे ड्राइवर थे एक गरीब परिवार के तो उन लोगों के परिवार का जो लाभ चलना चाहिए से वो नहीं मिल पाया था। इसके लिए सरकार के स्तर पर भी चिंता थी और जब से संजय अग्रवाल साहब प्रशासक के रूप में आए तो निगम के कर्मचारियों के प्रति हम लोगों की संवेदना बढ़ी और जो निचले स्तर के जो कर्मचारी थे ड्राइवर थे संवाहक एक गरीब परिवार के थे। 1200 ऑटो CNG के सड़कों पर आ चुके हैं। हमारी कोशिश है कि पटना में या तो CNG वाहन चले या इलेक्ट्रिक वहीकल चले खास करके ऑटो, उसके लिए हम लोग कार्य योजना बनाए ताकि जो एग्जिस्टिंग ऑटो चालक है उनको भी रोजगार उनसे ना छीना जाए, उनको कोई घाटा नहीं हो, उसके लिए योजना बनाई जा रही है ताकि उनका फायदा भी हो सके और लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। BSRTC की सिटी बसेस में भी हम लोग CNG की बात कर रहे हैं, जो पहले से बसेस हैं उनको कन्वर्जन का भी प्लान बनाया जा रहा है, उसमें CNG इंजन लगाने की बात चल रही है। अभी गेल से हम लोग की बात हो गई है, CNG इंजन में कुछ अधिक खर्च है तो वो भी कुछ मदद करेंगे, कुछ राज्य सरकार मदद करेगी और उनके पुरानी गाड़ियों में भी इंजन बदले जाए तो नई गाड़ियाँ भी CNG के परचेज करने के बाद विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है तो जल्द ही पटना में CNG बसेस दिखाई देने लगेंगी और हमारा लक्ष्य तो है इलेक्ट्रिक बस तक जाने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट संदेश दिया है, माननीय मंत्री जी ने भी निर्देश दिया है कि हम लोग इलेक्ट्रिक बस के लिए भी प्रयास करें, उसके लिए भी जल्द ही हम लोग अन्य राज्यों से स्टडी करके इलेक्ट्रिक बस का भी प्रयास पटना में करेंगे और सोचेंगे कि इस साल के आखिर तक इलेक्ट्रिक बस भी पटना के साथ। सर इलेक्ट्रिक कार की बात हो रही है उसके लिए क्या करें? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलेक्ट्रिक कार की शुरुआत कर दी है और अब यह आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो गया। अभी कल परसों की GST में भी इसमें कटौती की गई है जिससे ये गाड़ी और सस्ती हो गई है। बिहार सरकार ने टैक्स में 50% की छूट दी है तो उसके कारण ये सस्ती हो जाएगी और आम लोगों को पहुँच कर रहे हैं। हम लोग फाइनेंस कंपनी से भी बात कर रहे हैं, वो सभी मंथली इंस्टॉलमेंट पर गाड़ियाँ उपलब्ध आम लोगों को भी कर पाएंगे तो आने वाले समय में पटना की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कार बड़ी संख्या में चल रही है और जो कारें हैं वो रिप्लेस हों, ये प्रयास राज्य सरकार का है और उसमें हमें उम्मीद है कि हमें सफलता। ठीक है सर।